सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ में एक बड़ा अपडेट आया है, इसलिए मैं आपको यह अपडेट बताना चाहता हूँ। उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अपडेट बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 483,543 आवेदन हो चुके हैं और कुल रिक्त पद कितने हैं, इसमें कुल कितने लोगों को मतलब कितने युवाओं को दी जाएगी जॉब, तो वो 47,960। पंजीकृत संस्थान कितनी है, टोटल 12,322। तो दोस्तों, इसमें एक नया अपडेट यह आया है कि अब इसमें 25 तारीख से लेकर 25 तारीख से अनुबंध स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग युवाओं का कहना है कि अनुबंध क्या है और 5 लाख आवेदकों को में से केवल 47,000 आवेदकों को ही जॉब दी जाएगी क्या, तो ये मैं आपको बता दूं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक पट्टी सबसे ऊपर इसको पट्टी देखने को मिल रही होगी, इस पट्टी में क्या लिखा है, आवेदकों के प्रतिष्ठान द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियां में अपने लॉगिन पर जाकर आवेदन करने की व्यवस्था 25/7/2023 पर स्टार्ट होगी। मतलब जो आपने आवेदन तो कर दिया उसमें जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिले उसमें आप लॉगिन करके 25 तारीख से अनुबंध स्थापित कर सकते हैं। अनुबंध का मतलब क्या होगा कि सरकार हमारे बीच कंपनी और हमारे बीच अनुबंधित स्थापित करेगी, मतलब एक सिग्नेचर करवाएगी कि ये 1 साल तक आपके पास जॉब करेंगे, इन्हें आप काम सिखाना, ठीक है। अनुबंध मतलब कंपनी और हमें दोनों को जोड़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभ्यर्थियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियां में अपने लॉगिन पर जाकर आवेदन करने की व्यवस्था 25/7/2023 के बाद उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर 25 तारीख से आप अनुबंध स्थापित कर सकते हैं। जो सबसे पहले अनुबंध करेगा उसका 100% चांस है कि उसको सबसे पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी अपने अभिरुचि के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। प्रतिष्ठान स्वीकार करने पर आपका अनुबंध भी स्वीकार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, यही बहुत बड़ा अपडेट है कि जैसे ही इसमें अब अनुबंध स्टार्ट होंगे तो आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि अनुबंध किस प्रकार से स्थापित करना है कंपनी और आपके बीच, ठीक है। आपने आपके लॉगिन पर नोटिस आ जाएगा कि अनुबंध कर सकते हैं, ठीक है। 25 तारीख से आप अनुबंध करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपनी रुचि के अनुसार जिसमें भी अनुबंध करना चाहें वो कर सकते हैं। जिसमें आपने अभी तक जितने भी कोर्स सिलेक्ट किए हैं उसमें से किसी एक में आप अनुबंध स्थापित कर सकते हैं, 25/7/2023 से अनुबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अनुबंध का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि आप देखिए दोस्तों, 483,543 लोगों ने आवेदन किया है, युवाओं ने आवेदन किया है, वो 37,960 पद रिक्त हैं। तो 483,000 लोगों में से केवल 47,000 लोगों को ही जॉब दी जाएगी, तो इसलिए उन्होंने अनुबंध का सिस्टम रखा है। जो सबसे पहले अनुबंध करेगा केवल उसी को ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर ये रिक्त पद बढ़ते हैं तो फिर वो बात की बात है, पर अभी तो केवल 47-48,000 यहाँ पर पद हैं। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।